थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये थ्योरम लैमिना पे लगाओ, 3D पे लगाओ, स्फेयर पे लगाओ, जहां मर्जी लगाओ, किसी मर्जी फिगर पे लगाओ, सब पे चलती है, ठीक है। ये थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको ये बताया जाता है कि सपोज कोई भी एक बॉडी है, 2D 3D कैसी मर्जी लो, कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी का एक एक्सिस सपोज इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, ये जरूरी है। इसमें एक एक्सिस कहां से पास करना चाहिए, इसके सेंटर ऑफ मास में से। जैसे हमने जो रिंग किया था, मोमेंट इनर्शिया रिंग का क्या होता है, mr², तो एक्सिस कहां से पास करता है, उसके सेंटर ऑफ मास में से। डिस्क का क्या होता है, हाफ mr², तो कहां से पास करता है, सेंटर से। तो हमने तो सेंटर ऑफ मास में से ही पास करवाए हैं। तो अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास करता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस का आपको मालूम है, उसका आई, देखो एक एक्सिस का तो याद ही करना पड़ेगा, जैसे रिंग का mr², डिस्क का हाफ mr², तो याद ही करना पड़ेगा। तो एक एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया आई, और मेरा क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक और एक्सिस दिया सच दैट ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस का, h। तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नए एक्सिस का निकालना है, क्या होगा, इसका तो मुझे मालूम है, इसका मुझे निकालना है, और पूरी बॉडी का मास m है। तो रूल ये है कि नए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आए सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए तो होगा ही होगा, प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर के इक्वल भी होगा। ये एक शॉर्टकट है, एक थ्योरम का रिजल्ट है, मतलब कि अगर किसी भी एक एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो उसके पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो होगा ही होगा, साथ में मास इनटू एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है mh² ऐड कर देना है बस। तो क्या ये शॉर्टकट क्लियर है? तो ये शॉर्टकट आया कैसे, लगाते कैसे हैं, इसकी डिस्कशन अभी हम करेंगे। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, पहले मैं बताऊंगा ये आया कैसे, फिर मैं आपको फिगर में लगा के दिखाऊंगा, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे आज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। मैं अलग अलग फिगर्स दूंगा, आप मुझे लगा लगा के दिखाना, ठीक है यहां तक? तो इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं पहले, और प्रूफ के बाद इसको लगा के देखते हैं। प्रूफ के अंदर वैसे तो फिगर बनी हुई है इसके अंदर, जो आपकी जो मैंने शीट दी है, पर ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, आप ऐसे डिस्टेंसेस ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे। तो बेटर है या तो आप बना लें साथ साथ, या समझ लें, है ना, समझने की बात समझ में आ ही जाएगी क्या है। तो ये देखो, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इस थ्योरम को करने के लिए हम कोई भी एक बॉडी लेते हैं, और सपोज करो ये मैंने एक बॉडी ले ली, कोई भी डिस्क है, रिंग, कुछ मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो, एक बॉडी ले ली। इसके अंदर ये मान लो जो एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, ठीक है, और इस एक्सिस का नाम है AB एक्सिस है, AB नाम है, AB कुछ भी, A और भी एक्सिस है। एक और एक्सिस है जो इसके पैरेलल लूंगा, जिसके अबाउट मुझे आई निकालना है, चलो बाद में लूंगा, मुझे पहले एक चीज का आंसर दें। मान लो इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं, m1 m2 m3 अप टू mn, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैं एक काम करता हूं, सिर्फ दो पार्टिकल लेता हूं अभी स्टार्टिंग में, पहला पार्टिकल लेता हूं m2 और दूसरा पार्टिकल क्या लेता हूं m1, सच दैट m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस यहां से कितना है r1, मान लो r1, एंड m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है सपोज r2, ठीक है। तो मैंने पॉइंट मासेस ले लिए m1 m2 और मैंने एक्सिस से डिस्टेंस ले लिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है AB, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पहले पार्टिकल का m1 इंटू क्या होगा r1², दूसरे का क्या होगा m2 इंटू r2², तीसरे का m3 इंटू r3² और rn². तो इन जनरल रिजल्ट को एक्सपेंड कर दिया, m1 का r1, m2 का r2, m3 का r3, mn का rn। तो यहां से i ऑफ AB विल बी इक्वल टू, समेशन कर रहा हूं मैं,
एम वन एम टू एम थ्री की जगह एम आई, आर वन स्क्वेयर आर टू स्क्वेयर आर थ्री स्क्वेयर आर आई स्क्वेयर वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एम। इसे संभाल के रख लो, ये काम आएगी इक्वेशन। क्या ये स्टेप क्लियर है? मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया? अबाउट एक्सिस ए बी, ठीक है, ए बी का निकाल दिया, पर मेरा ये क्वेश्चन था नहीं। चलो मैंने निकाल दिया, बात अलग है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई एक्सिस पैरेलल है, ठीक है, मेरे को इसके अबाउट निकालना है, मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, वो मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और इस एक्सिस का नाम क्या है? सी डी। मैं एक मिनट इसे हटा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? सी डी। चलो ए बी का निकाल के देख लिया, बात अलग है, पर निकालना है किसका? सी डी। अब मुझे क्वेश्चन में एक और चीज चाहिए, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सपोज वो डिस्टेंस कितना है? एच, ठीक है। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है, सी डी का निकालना है, तो मैं अब सारे पार्टिकल का डिस्टेंस ए बी की जगह किसके अलोंग लूंगा? सी डी। अब मैं शिफ्ट कर दूंगा एक्सिस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्टिकल है एम वन, तो मुझे एक बात बताओ, एम वन का डिस्टेंस यहां से यहां क्या होगा? ये टोटल डिस्टेंस एम वन का यहां से यहां तक कितने? आर वन, देख रहे हो, आर वन, और ये कितने? एच। तो बचा हुआ कितने? आर वन माइनस। क्या स्टेप क्लियर है? ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक आर वन था, ये बीच वाला एच है, तो बचा हुआ कितना? आर वन माइनस एच, ठीक है। उसी तरीके से एम टू का डिस्टेंस, तो एम टू का डिस्टेंस अब मुझे यहां से लेना पड़ेगा, तो जो M2 का डिस्टेंस मुझे यहां से लेना है वो क्या लेना है? ये डिस्टेंस कितने है? R2, और ये कितने है? H। तो क्या बनेगा? R2 plus H। कोई डाउट इसमें? ये R2, ये H, तो क्या बनेगा? R2 plus H, सही है। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? M1 into R1 minus H का होल स्क्वायर, M2 into R2 प्लस एच का होल स्क्वायर, और थर्ड पार्टिकल एम थ्री इंटू, अगर होगा एम थ्री इंटू आर थ्री, अब या तो प्लस एच या माइनस एच, क्योंकि अगर पार्टिकल यहां लाई करता है तो प्लस एच, और अगर यहां कहीं लाई करता है, मैं कह नहीं सकता, पता नहीं कहां लाई करेगा एम थ्री, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, एक काम कर सकता हूं मैं, इस रिजल्ट को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, मैं ऐसा कर देता हूं, जनरलाइज कर देता हूं सिग्मा में, एम वन एम टू एम थ्री एम एन की जगह एम आई, आर वन आर टू आर थ्री की जगह आर आई, या माइनस या प्लस, या माइनस या प्लस, तो प्लस माइनस या प्लस या माइनस, मुझे पता ही नहीं क्या, तो लेट अस सपोज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एच 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 की जगह सिर्फ एच का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? जनरलाइज किया तो माइनस प्लस की जगह तो कुछ भी प्लस माइनस ही लिख दिया, एच का एच लिख दिया, आर वन आर टू की जगह आर आई लिख लिया, सही है। अगर मैं इसे ओपन करूं, आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, आर आई का स्क्वायर एच का स्क्वायर टू इंटू आर आई इंटू एच। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक। इसे ओपन करते हैं, आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई किया, इसका सिग्मा भी अलग कर दिया, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, प्लस समेशन एम आई एच का स्क्वायर, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, नेक्स्ट प्लस माइनस सिग्मा टू आर आई एम आई एच, क्योंकि एम आई जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, आई वेरीज फ्रॉम वन टू। क्या स्टेप क्लियर है? तो सिग्मा भी मल्टीप्लाई कर दिया और एम आई भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है यहां तक। तो एक काम करते हैं, आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू, एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले की क्वेश्चन निकाली थी हमने, एम वन एम आई आर आई स्क्वायर, ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, और मैंने थोड़ी देर पहले इसको क्या लिखा था? आई ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर वन यही तो थी,
आई ऑफ ए भी ये तो निकाली थी, अगर आप चेक करो तो एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, आई ऑफ ए भी प्लस एच स्क्वायर कॉमन आ गया, सिग्मा एम आई, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, प्लस माइनस टू और एच कॉमन आ गया, एम आई आर आई वेर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक. अब लास्ट स्टेप है, इसके अंदर एक बात बताओ, आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू आई ऑफ ए बी प्लस, ओपन करो क्या आएगा, एम आई को ओपन करेंगे तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस एम एन, यानी कि टोटल मास एम, एम एच स्क्वायर टोटल मास लिख लिया. और यहां पर ये जो टर्म है ना, इसका समेशन जीरो आता है. आपको ऐसा कैसे, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस एम फोर आर फोर एम एन आर एन. कैसे पता लगा इनका सम जीरो है? इसको पता करने के लिए एक काम करते हैं, वापस दो मिनट फिगर पे चलते हैं. तो इस फिगर में, या एक नई फिगर ही बना लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा भर गई. तो एक काम करते हैं, इमेजिन करो ये फिगर ऐसी थी ना, पहला एक्सिस कहाँ से पास करता था, सेंटर ऑफ मास में से, और एक पार्टिकल यहाँ पर था m1 जिसकी दूरी क्या थी r1, और m2 की कितनी थी r2. अच्छा इमेजिन कर लो, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो 0.0 है. मान लो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0.0 है. सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता क्या है, m1, पहले पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है r1, दूसरे पार्टिकल m2 डिस्टेंस क्या है r2, अप टू mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू mn. पर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो. तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो. तो क्या बचेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 mn आर एन का सम इक्वल टू जीरो, या फिर समेशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल टू जीरो. आ गया ना आंसर. तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर जीरो है ऑब्वियसली, तो इसका सम जीरो होगा. या एक और एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, क्या कि आधे कोऑर्डिनेट्स आर के अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है, तो आधे पार्टिकल इधर होंगे और कुछ पार्टिकल इधर होंगे. तो कुछ पार्टिकल्स का आर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और कुछ पार्टिकल का आर कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. तभी तो यार टोटल सम जीरो आएगा. जीरो कैसे आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम तो वैसे जीरो नहीं आ सकता. इसका मतलब आधी क्वांटिटीज नेगेटिव है और आधी पॉजिटिव है, पर इनका सम जीरो आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम वन आर वन एम टू आर टू बराबर होता है. ठीक है यहां तक? पर आपने एक्सप्लेन नहीं करना ये, अगर स्कूल में प्रूफ करने को आएगा ना, आपको जरूरत नहीं है. आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं. आपने सिंपली क्या करना है, यहां पर सीधे जीरो पुट कर देना है और आपने बोलना है कि आई ऑफ सी डी इज आई ऑफ ए बी प्लस एम इन टू एच का स्क्वायर, वेयर वेयर मेरी इस बॉडी में ये क्या था, आई ऑफ ए बी जो कहां से मास पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास में से, और ये क्या आई ऑफ सी डी. तो ये थ्योरम ऐसे प्रूफ करनी है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे प्रूफ करनी है थ्योरम? ठीक है, इसमें जब आपने इसे ओपन किया, यहाँ तक आ गया था एम आई क्या है, समेशन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, टोटल मास क्या होता है एम, समेशन ऑफ एम आई क्या होगा, टोटल मास एम, तो एम एच स्क्वायर. ठीक,